के लिए कर देते जो अपने आप को अर्पण। ऐसे गुरु समान वृक्षों का करते हम नाम। औषधीय वनस्पतियों की श्रृंखला में आज आपका परिचय करवा रहे हैं गोक्षुर से, जिसे सामान्यतः गोखरू भी कहते हैं। छोटी कंटीली झाड़ी पर है हितकारी। ये है गोक्षुर या गोखरू इसलिए कि गाय के खुर की तरह इसकी झाड़ी और कांटों के साथ मिट्टी भी बाहर निकल आती है। गोक्षुर का दूसरा नाम स्वादु कंटक भी है। अलग अलग भाषाओं में गोक्षुर के बहुत से नाम हैं। संस्कृत में गोक्षुर तो बांग्ला में गोखरू कहते हैं। कन्नड़ में नेगलू कहा जाता है और मलयालम में नेरिगिल, तमिल में नेरुजी और तेलुगु में पल्लेरू कहा जाता है। गोखरू का वैज्ञानिक नाम ट्रिब्यूलस हेरिस्ट्रेस है। ये जाइगोफिलेसिये कुल का क्षुप या झाड़ी है। छोटी छोटी झाड़ियों के रूप में गोक्षुर खेतों में, चरागाहों में, घर के आसपास यूं ही उगते देखा जा सकता है। गोक्षुर भारत के प्रायः सभी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके क्षुप सूक्ष्म रोमों से भरे होते हैं, शाखाएं हल्के बैंगनी रंग की होती हैं तथा फूल छोटे और पीले रंग के लगते हैं। शाखाओं पर आमने सामने जोड़े में लगे छोटे छोटे पत्ते चने के पत्तों जैसे लगते हैं। अनेक बीजों वाले गोक्षुर के फल के चारों ओर कांटे होते हैं। कंटीला होने के बावजूद अनेक पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं। गोक्षुर के फलों में कैल्शियम की प्रचुरता होती है, साथ ही नाइट्रेट और तेल भी काफी है। गोक्षुर में मूत्रल औषधीय गुण हैं। आचार्य सुश्रुत ने गोक्षुर को अश्मरी मर्दक कहा है, यानी गुर्दे की पथरी तोड़ने के लिए उपयोगी माना है। उन्होंने अपने ग्रंथ में इसके उपयोग के बारे में बताया है कि गाय के दूध के साथ गोक्षुर पंचांग का सेवन किया जाए तो पथरी टूटकर शरीर से बाहर चली जाती है। कुछ वैद्य गोक्षुर के फलों के चूर्ण को शहद के साथ लेने को कहते हैं। अस्मरी में जो है, जिसको कि पथरी बोलते हैं आप, वृक्षजन्य जो पथरी हो जाती है, उसमें इसके चूर्ण को शहद में मिलाकर सुबह शाम चटाते हैं। कहा जाता है कि गोक्षुर पेट के अनेक रोगों के लिए लाभकारी है। ये बल्य रसायन या टॉनिक कहा जाता है और दशमूला रिष्ट का एक प्रमुख तत्व है। दशमूला रिष्ट में इसके पंचांग का प्रयोग किया जाता है। मैं इसकी जड़ भी बताता हूँ आपको। ये देखिए जड़, ये टूट गई। ये जड़ जो है इसकी सीधी जाती है, ये इसकी प्रवृत्ति है सीधी जाती है। तो जब ये दशमूला रिष्ट का निर्माण किया जाता है, या दशमूल क्वाथ आप लोगों ने सुना होगा, नाम बहुप्रचलित नाम है। प्रसूता यानी कि आफ्टर डिलीवरी जो है, वो दशमूल क्वाथ देने से गर्भाशय शुद्धि होती है। प्रसूति के बाद में अगर बुखार आता है तो उसमें शीघ्रातिशीघ्र लाभ मिलता है। आम्बात जन्य जो व्याधि होती है, जिसको कि आप लोग गठिया कहते हैं, इसमें इसके फलों का चूर्ण और सुंठे आदि चूर्ण या सौंठ का चूर्ण मिलाकर देने से तदजन्य पीड़ा यानी आमवात से जो पीड़ा उत्पन्न होती है, उसमें
तुरंत फायदा मिलता है। गोखरू के फल और इसका होल प्लांट यानी कि पूरा का पूरा इसका पौधा प्रयोग में लाया जाता है। फल जो हैं वो वृष्य हैं यानी कि बल देते हैं, और ख़ास करके मूत्र संस्थान के जो रोग हैं उसमें ये ज़्यादा उपयोगी है। फलों को कूट करके या फलों को पानी में उबाल करके 1 चम्मच 5 ग्राम अगर कोई उपयोग करता है तो मूत्र संस्थान के रोग जैसे पेशाब में जलन होना या पेशाब बार बार होना या पेशाब कम होना, ऐसी अवस्था में जिसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं उसमें ये बहुत उपयोगी है। और हम कभी देखते हैं कि कोई भी किसी भी औषध से जब मूत्र की मात्रा बढ़ती है तो रोगी को कमज़ोरी होने लगती है, मगर गोक्षुर में विशेषता ये है कि ये पेशाब को तो बढ़ाता है मगर इससे रोगी को कमज़ोरी नहीं होती बल्कि उल्टा बल देता है। और इसका उपयोग सारे पौधे का भी किया जाता है जिसमें फल फूल उसकी जड़ सब, तो इस सारे पौधे को लेकर के उसको धो करके पानी में उबाल करके उसका काढ़ा जब बनाते हैं तो ये पेशाब की मात्रा बढ़ाता है। तो सूजन वाले जो रोगी हैं जहाँ हाथ पैर सूजे हों, कहीं घुटने में उसके सूजन हो या सारे शरीर में पानी जो जब बढ़ता है तो उसको शोथ रोग कहते हैं, ओडीमा जिसको कहते हैं, उस अवस्था में भी सारे पौधे का जो है काढ़ा बना करके उपयोग जो है वो बहुत लाभदायक है। और इसी प्रकार के कुछ किडनी फेलियर के जो पेशेंट होते हैं रीनल फेलियर के, उसमें देखा गया है गोखरू के फलों का काढ़ा हम देते हैं, उसे होल प्लांट का पूरे पौधे का भी अगर काढ़ा हम देते हैं तो उसमें मूत्र की मात्रा बढ़ने लगती है और किडनी को भी ये बल देता है। जैसे घड़े में हम पानी रख दें तो हम देखते हैं कि उस घड़े को साफ करना पड़ता है, ऐसा ही हमारा लगभग 1.5 लीटर तक किसी कारण से कुछ रोगियों को आदत होती है कि वो समय से जब भी मल मूत्र का बेग हो आए तो नहीं जाते, रोकते हैं, उन रोगियों में पथरी बनने की संभावना रहती है। तो गोक्षुर के प्रयोग से पथरी का रोग नहीं बनता, और बना भी हुआ है छोटी पथरी हो तो उसका चूर्ण का प्रयोग उसके काढ़े के प्रयोग से वो पथरी निकल जाती है। कांटे होने के बावजूद गोक्षुर के फलों से बनी दवाएं निराठे गोखरू के नाम से पुकारा जाता है, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि फलों को तोड़ने के बाद इसका प्रयोग 1 वर्ष के अंदर ही कर लेना चाहिए, नहीं तो इसका प्रभाव कम हो जाता है। छोटी कटीली झाड़ी गोखरू सचमुच हितकारी है, यूनानी में इसे जाना जाता है, यहाँ भी इसे इन्हीं गुणों से युक्त माना गया है। गोक्षुर ठंडा स्वादिष्ट बलकारक और मूत्रल होता है। कहा गया है गोक्षुर मधुर रस वाला, भूख बढ़ाने वाला, वीर्यवर्धक बलवर्धक और सभी प्रकार की पथरी को दूर करता है। मधुरा दीपनो विश्व पुष्टित श्रवा।